कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल सोमवार को करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कल की तरह आज भी राहुल गांधी पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस सोमवार की तरह आज मंगलवार को भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के आसपास तो धारा 144 लगा दी गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आज भी अपने नेता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पूछताछ के बीच राहुल लंच ब्रेक पर घर निकले, जहां उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। लेकिन इस बीच राहुल का एक ट्वीट भी चर्चा में आया, जिसमें एक बार फिर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी की इस कार्रवाई से बीजेपी सरकार राहुल पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन राहुल ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो झुकने और डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को आज कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया गया, क्योंकि अकबर रोड पर धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समझ से परे है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे, 144 लागू है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते हैं। लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आज पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी हंगामा भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेताओं को बदरपुर थाने में डिटेन किया गया है। पुलिस के साथ हुए टकराव में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और प्रमोद तिवारी घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मोदी सरकार सख्ती से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार के आगे झुकेगी। नूपुर शर्मा की गलत बयानी ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करने के बजाय उन लोगों पर कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने नूपुर की गलत बयानी का विरोध किया, और यूपी में बुलडोजर कार्यवाही धड़ल्ले से चलना शुरू हो गई है। लेकिन सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ विपक्ष जमकर हल्ला बोल कर रहा है और सरकार की इस कार्यवाही की निंदा कर रहा है। वहीं इस मामले में अखिलेश और मायावती एक ही सुर में बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार 2 ट्वीट करके सरकार के इस कार्यवाही को गलत ठहराया। अपने ट्वीट में उन्होंने कुछ शायराना अंदाज में सरकार को घेरा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। मायावती ने एक साथ कई ट्वीट कर सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस समस्या की मूल जड़ नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल हैं, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द नूपुर की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद ने पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि दंगों में मुसलमानों को एक तरफा गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से बहुत से लुभावने वादे किए थे, जिनमें से एक वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। लेकिन सरकार का ये वादा जुमला साबित हुआ और देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, जिसको देखते हुए मोदी सरकार को आगामी चुनावों में हार का डर सता रहा है। और यही कारण है कि सरकार ने अचानक से 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान कर दिया, जिसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक घोषणा की गई, और वो घोषणा थी अग्निपथ योजना। बता दें कि इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के 46,000 लोगों की सेना में भर्ती की जाएगी। ये लोग सिर्फ 4 सालों तक सेना को अपनी सेवाएं देंगे। इस अवधि में 6 महीने का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इन 4 सालों में उन्हें 30,000 से 40,000 रुपए वेतन, उसके अलावा कई तरह के भत्ते और मेडिकल बीमा आदि सुविधाएं मिलेंगी। 4 सालों के बाद इनमें से सिर्फ 25% सैनिकों को सेना के सामान्य कैडर में शामिल किया जाएगा, और वो लोग गैर अधिकारी रैंकों पर पूरे 15 सालों तक सेवाएं देंगे। बाकी को 4 सालों के बाद सेना छोड़ देनी पड़ेगी। वहीं अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि दावों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं की भी सेना में सीधी भर्ती हो सकेगी। हालांकि जानकारों ने इस योजना के सेना पर होने वाले दूरगामी असर को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, जैसे
क्या सिर्फ 4 साल एक सैनिक को तैयार करने और फिर सेवा देने के लिए काफी है? जिस सिपाही को मालूम है कि उसे सिर्फ 4 सालों तक सेना के लिए काम करना है, तो क्या वो पूरी लगन से सेना की सेवा कर पाएगा? इसके अलावा क्या उसे इन 4 सालों के बाद फिर से नौकरी ढूंढने की चिंता सताती नहीं रहेगी? हालांकि इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। जब ये भर्तियां खुलेंगी तब देखना होगा कि इसमें कितने लोग आवेदन करते हैं। यानी सरकार की ये योजना फायदा कम दिखावा ज्यादा नजर आ रही है। वहीं मोदी सरकार के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं महा जुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। राहुल गांधी ने पीएम को न्यूज बनाने में एक्सपर्ट बता दिया है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार ये वादा भी पूरा कर पाती है।